उरी पापा उरी पापा जिंदगी में क्या वो चीज है जो आप करना चाहते हो? दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। नाम अनिंदो चटर्जी, 72 years, पुरुष, कोलकाता। ओ मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब तो मैं दुनिया घूमूंगा। नीता आ गई तू? हाँ दादा। ऐसो ऐसो बेटा ऐसो। माँ केमन आछे? हाँ अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई क्या? ना दादू, एखोनो एडमिट आछे। डॉक्टर बोल रहे कि माँ को 4-5 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ओह की मुसीबत है। अच्छा कुछ खाएगी क्या? मैं कल मिठाई की दुकान से रसोगुल्ला का ऑर्डर दिया था। नहीं दादू, आप ही खाइए। ओहो, जब भी तुमको कुछ बोलो ना खाने को तो तू ना बोल देती है, हैं? अच्छा बाबा ठीक है, खिलाइए। अभी लेके आता है, हैं? रुको 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 रुको, तुम्हारा हाथ गंदा है ना, झाड़ू मार रही थी। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं तुमको खिलाऊंगा। अच्छा ए मुंह खोलो 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 मुंह खोलो। अच्छा ना? खूब भालो, अकुन खुशी? एकदम एकदम खुश हो गया हम। अब अपना काम खत्म कर लूँ? हाँ काम खत्म कर लो। हाँ तुम तो सुनो, काम खत्म करने के बाद मैं तुमको अपना नया खिलौना दिखाऊंगा। अरे दादू खिलौना इस उम्र में? हाँ बाबा खिलौना। अच्छा ठीक है, दिखा दीजिएगा। अब मैं अपना काम खत्म कर लूँ? करो करो। Sir, may I have your credit card details, please? Sir, we are offering a great discount. You will receive a QR code from us. Sir, please make the payment immediately. Hi, ma'am. Good morning. I'm calling from USing Pharmacing. Please get me your details. Hello. This is Sharon. No, ma'am. I'm not from India. Thank you. Let me check information, sir. Just hold a minute. Okay, ma'am. What do you mean, a scam? Of course, you are a scammer. I'm not a scammer. I will not leave you. I will sue you in the court. Go to hell. बार कहा था कि हमारे धंधे में नो इमोशन, ओनली कमीशन। सॉरी सर, सर वो मुझे स्कैमर बोल रहा था सर। और तो भड़क गए और कॉलर डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम्हारे चक्कर में हमें एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, तुम्हें क्या लगता है? नहीं हाँ अनाथ आश्रम चला रहा हूँ। सॉरी सर, सर अगली बार से नहीं होगा सर। अगली बार? अरे कौन सा अगली बार, अपना सामान लो, निकलो यहां से। प्लीज सर सर गलती से हो गया सर। अरे चल सर, प्लीज सर सर नाटक कर भी ना, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बहुत बार चांस दिया लेकिन तुम कुत्ते का डूम की तरह एकदम टेरा, निकलो। ऐसे चंदन सुनचो, हम ही जाने तुम किधर रहते हो और तुम्हारा भाई कौन सा स्कूल में पढ़ता है। अगर बाहर जाके हमारे बारे में मुंह खोला ना
समझ लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा, समझे? चल निकल। क्या देख रहे हो तुम लोग? सर्कस खत्म, जो कर गया बैक टू द वर्क, समझ में आया? मेरा नया वाला खिलौना, एकदम दारुण जिनिस, बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, ये है VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी। इसको पहनकर हम हर जगह सैर कर सकता है, हर जगह जा सकता है, एकदम रियल लगेगा। तुम भी इसको पहनकर पूरा चारों तरफ घूम सकता है और एकदम ऐसा महसूस होगा जैसे कि तुम वहां मौजूद हो। पहनो पहनो, देखो देखो देखो, पहनो पहनो इसे, पहनो पहनो। ऐ देखो, ओ माँ, अच्छा लगता ना? कि दारू ने था। दारू ना? तो मेरा होगा? अरे देखो, अच्छा लग रहा ना? दादा दादा, नहीं गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा लगा ना? दादू सब कुछ कितना असली लग रहा था, है ना? अब इसे पहनकर यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया का कोना कोना घूम सकते हैं। बाबा रे, हमारे तो माथा घुरचे। आप ही देखो, मुझे काम खत्म करना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे हम तुमको एक गुड न्यूज देना भूल गया। गुड न्यूज? हाँ, आज ऑनलाइन हमने एक कॉन्टेस्ट जीता है और हमको प्राइज मिलेगा अमेरिका घूमने का। अरे दादू, कितने महीनों से आप ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे, एक भी प्राइज ना घर नहीं आया। आएगा, हमारा नंबर जरूर आएगा और हम एक बार अमेरिका घूम के जरूर आएगा। देखेंगे। यूजर कोड फायर स्टार्टर है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ तुम ही हो। सामान लाया? इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें हमारे कंपनी का लगभग 1000 सब्सक्राइबर का डेटा है, उनका पता, घर का पता, ईमेल एड्रेस, सब कुछ। लेकिन शर्त एक है, ये इंफॉर्मेशन किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें दी है, ठीक है? नौकरी चली जाएगी और तुम जेल भी जा सकते हो। जेल? अरे डरो मत यार, कुछ नहीं होगा। तुम ये तुम्हारा, ये लो तुम्हारा पेमेंट, एनवलप में देना चाहिए। तू केवल 10,000 है, बात 20,000 की हुई थी। अरे धंधा बहुत डाउन चल रहा है रजत दा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? यूजर कोड बताया था मैंने तुम्हें, रश्मि 001। मैं जा रहा हूँ। अरे 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 रजत दा, रुको तो सही। डरो मत, जिन लोगों के साथ हम धंधा करते हैं ना, हम उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। जानकारी का क्या मतलब है? क्या करोगे तुम? अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा।
भगवान कसम यार, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। अरे यार, अगर तुम्हारी इस डाटा की इंफॉर्मेशन से हम लोग पैसे कमा सके ना, उसका 10% तुम्हारा कमीशन। क्या गारंटी है कि तुम पैसा मुझे दोगे? अरे रजत दाम, शराफत की दुकान है, हमारा धंधा ना जुबान पे चलता है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मैं भी चल रहा मीता, मीता। हाँ दादू। हमार फोन टा एने दे। हाँ। उधर ही कंप्यूटर टेबल पर रखा होगा। है आंची। दादू मैसेज है। अरे तो पढ़ के बता। दादू मैं, अरे स्कूल जाता है ना, इंग्लिश पढ़ता है ना, तो पढ़ के बता। हाँ, योर एप्लीकेशन फॉर द होम लोन हैज बीन अप्रूव्ड, प्लीज क्लिक द लिंक। होम लोन? किंतु हमने होम लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया। हाँ दादू, आजकल मुझे भी बहुत आ रहे इस टाइप के SMS, होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, केने भी लोन। उधार में बाबा कुछ नहीं चाहिए, वरना जिंदगी भर लोन चुकाती रहो। एकदम, ये सब बकवास है। दूध, मैं तो दूध चला रही थी, ये लो दादू। अरे चिंता कर बैठना। अरे सुनील बैठो। हेलो सुबोधा। अच्छा वो डेटाबेस और फोन नंबर मिला कि नहीं? अरे हाँ सुबोधा, है ना, ले ले। पैसा के लिए खिच खिच किया? दादा जैसा आपने बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा, 10% कमीशन की बात की। और उसे थोड़ा डराया कि नहीं? उसकी ना पटके हाथ में आ गई थी जब मैंने उसको उसके असली नाम से पुकार। मुझे तो लगा था कहीं ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक ना आ जाए बेचारे को। सही है। सुनील एक काम करो, तारातारी प्रिंट आउट निकालो और टीम को डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ओके दादा। और बाय द वे, अपना वो चंदन है ना, अरे उसका फ्यूज आज फिर से उड़ गया था, इसलिए ऑफिस से आउट कर दिया। दादा वो चंदन ना इस काम के लिए ठीक था भी नहीं, बहुत ज़्यादा बेसब्र, इमोशनल और हर छोटी छोटी बात में गुस्सा करता था। अरे अनिकेत आ जाओ, आ जाओ। देखा, एक गया और एक आया। ये अनिकेत, आज से टीम ज्वाइन किया, कैंडिडेट का कमी नहीं है और अगले 5 दिन तक तुम्हारा अंदर ट्रेनिंग करेगा, ठीक है? और छोड़वा दे, अकेले में जंगल में शिकार करने के लिए निकलेगा। सब गड़बड़ है।
गड़बड़ हो गया। आशी दादू। ए सोन। हाँ? ए तुम्हारा इवनिंग स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा है दादू, लेकिन सब बच्चे उम्र में बहुत छोटे हैं। तो क्या हुआ? हाँ? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुमको स्कूल पूरा करना है। हाँ दादू, लेकिन मैं 19 साल की हूँ और क्लास 8 में, सोची। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अरे उड़ाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, को पढ़ाई पे ध्यान देना है, हाँ? समझी? अच्छा एक काम कर, ये रहे तुम्हारा इस महीने का स्कूल फी, पकड़ो पकड़ो, याद से टीचर को दे देना। दादू अगर आप नहीं होते तो मेरी पढ़ाई भी नहीं होती। अरे अभी बुढ़े को रुलाओगे क्या? अरे सोचा कि मेरे पास जो भी बचे कुछ पैसे हैं वो तो ऊपर लेके नहीं जाऊंगा ना, है? उसको तो खर्चा ही करना है, तो तुम्हारे पढ़ाई में खर्चा कर दी, और फिर तुम्हारा स्कूल जाना भी तो जरूरी है, है? क्या दादू, बात बात पे ऊपर जाने की बात करते हो, और कोनो दिन एरकम कथा बोल बिना बुझले। ठीक अच्छे बाबा, ठीक अच्छे। सत्ती सत्ती अच्छी दादू। ठीक अच्छे गाइस, हमें नया डेटाबेस मिल गया है। सुनील। हाँ दादा। तुम्हारे लिए A2E। राहुल आपके पास F2I। शिल्पा के पास है K से P तक। और मुकुल आपके पास है U2Z। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कंपनी एक माइनस लॉस में है। अरे कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो तुम लोग कैसे कमाओगे? फिर से आना एम्प्लॉयड होना है? नो सर। नहीं ना, तो कंपनी के लिए पैसा कमाओ। जितना कंपनी के लिए पैसा कमाओगे तुम लोग उतना ही फायदा में रहोगे। और हाँ, नो इमोशन, ओनली कमीशन। पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, इसलिए वी नीड बेटर कन्वर्जन परसेंटेज, राइट? आज से हमारा टारगेट है डेली 5 लाख। इज दैट क्लियर? कम ऑन। ये सवेरे चौंडन के साथ क्या हुआ था? चंदन का एक कॉलर गाल दिया था उसे, बार बार वो स्कैमर बोल रहा था, उसका दिमाग अड़ गया, उसने सुना दिया। अरे स्कैमर को स्कैमर ही बोलेंगे ना, और वैसे भी यार हम लोग कौन से इंजीनियर है या MBA है, हम 12th पास और कॉलेज फेल हैं। अब मार्केट में तो हमें किसी ने काम दिया नहीं, तो कम से कम यहाँ तो हम लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना। नो इमोशन, ओनली कमीशन। बैक टू वर्क। सुनील दा, आजकल पब्लिक बहुत चालाक हो चुकी है, हम अपने टारगेट को कैसे पूरा करेंगे? बुड्ढे बुढ़िया यानी सीनियर सिटीजन, वो लोग ना बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कुछ भी दुख भरी कहानी उन्हें सुना दो, बस काम खत्म। पता है क्यों? क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका है, और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी ऊपर वाले का टक से बुलावा आ सकता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अपने बचे कुछ वक्त में जो भी उन्होंने पाप किए उसका प्रायश्चित करें। मौत का डर और स्वर्ग का लोभ। तुम्हारा होमवर्क होगा
डाटाबेस में से दीरू दीदा को शॉर्टलिस्ट करना और एसएमएस करना और सबको बोलो कि सीनियर सिटीजंस की डिटेल्स को शॉर्टलिस्ट करके रखें। हो जाएगा दादा, हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम उन लोगों को एक दुख भरा सा ईमेल भेजेंगे, फिर देखते हैं कि मछली हमारे जाल में फंसती है या नहीं। सब लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया? जी हाँ। राहुल, तुम्हारे डाटाबेस में कितने सीनियर सिटीजन? 13। 13। मुकुल? पूरे 18। और शिल्पा? क्या हुआ? सुनील दा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ काम करने क्यों आई हो? ऐसे मासूम लोगों को चीट करना, और अब आप कह रहे कि हम बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ेंगे। पैसे कमाने की नहीं, बुरा लगता है कभी कभी। हर धंधे में ना ईमान बेचना पड़ता है, ये ईमान उसूल सब गया तेल लेने, समझी? शिल्पा, तुम्हारी इनकम से तुम्हारी ये डिजाइनर जींस, एक्सपेंसिव परफ्यूम, मल्टीप्लेक्स में फिल्म, पिज्जा, बर्गर, हर हफ्ते का एंजॉयमेंट, ये सब इसी से आता है। वो जो चौंदन था ना, जो हमेशा उसूलों की बात करता था, लोगों को चूना लगा के उसी पैसे से बाइक खरीदा, आज उसी पैसे से उसका भाई स्कूल जाता है, उसी पैसे से उसका घर चलता है, समझी? या तो तुम ये नौकरी छोड़ दो या फिर ये दूध से धुले होने का नाटक बंद करो। और तुम लोग, किसी को कुछ कहना है, चुपचाप अपना काम करो, और जब कभी भी तुम्हें ये शराफत की दीमक काटे ना, तो याद रखना यहां से निकलने के बाद तुम्हें और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, समझे? तो अपनी इस फीलिंग्स को ना घर पे छोड़ के आना कल से। अरे की होए जगी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे शिल्पी को बुरा लग रहा है। तो जाने देना उसे। तो शिल्पा, तुम्हें भी नौकरी छोड़ना है? हाँ नहीं। क्या सब लोग अपना काम करो, जो मेल शॉर्टलिस्टेड किए थे उन सबको मेल करो। My name is Aisha and I live in Libya. Libya से मुझे कौन मेल करेगा? और ये Aisha कौन है? My father has been murdered and I am now left to beg on the street. इश, की अवस्था रे बाबा, बेचारी। My father's bank account has $1 million, but I need to pay the bank fee of $2,000 to unlock it. $2,000 Indian rupee में कितना होगा? $1,50,000. If you please help me, I will give you 10% of my father's money. That is $1,00,000. $1,00,000 कितना होगा इंडियन करेंसी? $76,54,000. अरे इतना पैसा में तो मैं पूरा दुनिया घूम सकता हूँ, वो भी दो बार। डियर
आयशा, तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिले। मैं रिटायर हो चुका हूँ। $2,000 मेरे लिए एक बहुत बड़ा रकम है, लेकिन तुम्हें ये पैसे मैं भेज दूंगा। तुम्हें ये पैसे कैसे ट्रांसफर करूं और मेरा बैंक डिटेल्स तुम्हें भेज रहा हूं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरे हिस्से का $1,00,000 ट्रांसफर करने में अकाउंट नंबर है 567123 और IFSC कोड है 10 करोड़ डॉलर है उसके पिताजी के अकाउंट में, पर $2,000 बैंक के फी पे करने के लिए नहीं उसके पास। वेरी सैड, उसके विरासत से बैंक कुछ दे नहीं रही है, और अगर हम उसको $2,000 देगा ना तो हमें वो $1,00,000 देगी, यानी कि 76 लाख रुपीज। दादू, आपको क्या लगता है ये कहानी सच्ची है? और नहीं तो क्या, मैं उस लड़की को रिप्लाई कर रहा था कि $2,000 भेज दूंगा। दादू दादू दादू, आपने ईमेल सेंड तो नहीं किया ना? नहीं, मैं सेंड बटन दबाने ही वाला था कि तुम आके डिस्टर्ब कर दी। डिस्टर्ब करके बहुत अच्छा किया। महागो की बिपो खतरनाक। क्यों? तो दादू, आपको क्या लगता है ये कहानी, ये ईमेल, ये सब सच है? पर क्यों मजाक में अपनी स्टोरी में कोई अपने बाप को मारेगा? बहुत लोग कर सकते। दादू, ये स्कैम है, स्कैम, लोगों से पैसे चुराने का स्कैम। आपसे पैसे लेकर गायब हो जाएंगे, फिर 76 लाख क्या, 7 पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। ये चिट्ठी पढ़ के तो मुझे एकदम जेन्यून लगा। अब इस बेचारी लड़की का क्या होगा? सोचिए ना दादू, क्यों कोई अनजान लड़की आपको ईमेल करेगी, और वो भी मुफ्त में इतने सारे पैसे देने के ऑफर के साथ। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। और हाँ दादू, कोई गारंटी नहीं है कि ये लड़की है, लड़का भी हो सकता है जो लड़की बनने के नाटक कर रहा है। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया है, अब किसके ऊपर भरोसा करें? सिर्फ मेरे पे। दादू, कोई आलतू फालतू ईमेल मत ओपन कीजिएगा, जो आपको सही लगे सिर्फ वही ओपन कीजिए, बुझले? आज तो तू मुझे बचा ली। बेवकूफ हो तुम लोग। अरे ऐसा कैसा सोच लिया कि 20 साल पुराना नाइजीरियन ईमेल अब काम करेगा? जबकि सबका पता है ये एक स्कैम है। अरे कुछ अच्छा सोचो, दूसरे कॉल सेंटर में क्या चल रहा है पता करो। 5 लाख का टारगेट था, लेकिन तुम लोगों ने 2 दिन में से 5,000 ही कमाया। अरे सैलरी कहां से आएगा? व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग? कम ऑन शुभोदय। हाँ बोलो। शुभोदय, मेरे पास ना एक तरीका है। अभी तक ना US और UK के क्लाइंट पे यूज होता था, यानी इंडिया में बिल्कुल नया है। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। सही है, मैं काम करो, रुद्रो से मिलो, वो तुम्हारा हेल्प करेगा। ठीक है? ओके दादा।
तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस प्लान को बनाने में। इसमें एक नया प्रोग्राम है जिसका नाम है सिस्टम एरर मैसेज। सुनील दा, ये टारगेट तक कैसे पहुंचेगा? एक ईमेल के जरिए। उस ईमेल की सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव के अंदर है। आजकल क्या है ना कि लोगों ने लिंक्स पे क्लिक करना बंद कर दिया है, तब उनको एक मेल जाएगा सरकार की तरफ से और सब्जेक्ट होगा इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सबको लगेगा कि सचमुच ये मेल सरकार की तरफ से आया और उनको रिफंड मिलने वाला है। फिर वो उस दिए हुए ईमेल के लिंक पे क्लिक जरूर करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद ही उनके कंप्यूटर का स्क्रीन लॉक हो जाएगा, बिल्कुल फ्रीज। कुछ नहीं होगा, कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होगा। उनको लगेगा कि उनके कंप्यूटर पे किसी वायरस का अटैक हो रहा है। क्या हो गया ये? समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद उनके कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक हेल्पलाइन नंबर दिखाई देगा, विंडोज कंपनी के नाम से हेल्पलाइन, और वो है हम। इसके बाद शुरू होगा असली खेल। वेलकम टू विंडोज हेल्पलाइन। हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए एक दबाएं। हेलो या दिस इज विंडोज। हेलो, ये विंडो कंपनी है। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे रेड अलर्ट का मैसेज आया है और कंप्यूटर अटक गया। सर, विंडोज में कॉल करने के लिए शुक्रिया, हम आपकी जरूर सहायता करेंगे। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आनिंदो चैटर्जी। मिस्टर चैटर्जी, ये विंडोज हेल्पलाइन सेंटर इन बेंगलुरु। ये माइक्रोसॉफ्ट है ना? नहीं सर, ये विंडोज कंपनी जो दुनिया के हर विंडोज कंप्यूटर को मेंटेनेंस करता है। अरे लेकिन मेरा ये नया कंप्यूटर है, अभी इसका वारंटी पीरियड भी है। अच्छी बात है मिस्टर चैटर्जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने कोई ईमेल ओपन किया था जिसके बाद आपका ये कंप्यूटर फ्रीज हो गया? हाँ हाँ, एक मेल आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको खोला था। मिस्टर चैटर्जी माफ कीजिएगा, लेकिन वो एक फ्रॉड ईमेल था। आजकल वैसे भी स्कैमर बहुत ही ज्यादा शातिर हो गए। सर, आपके कंप्यूटर पे एक वायरस का अटैक हुआ है, लेकिन विंडोज कंपनी इसे बहुत इजीली सॉल्व कर देगी। सर, हमारा एक प्लान है 5999 का, और स्पेशल ऑफर में सिर्फ आपके लिए ये आपको 4999 में पड़ेगा। लेकिन मेरा कंप्यूटर तो वारंटी में है। लेकिन सर, वारंटी तो सिर्फ हार्डवेयर की है, पर आपके कंप्यूटर पे वायरस का अटैक हुआ है जो कि सर वारंटी में कवर नहीं होता है। अच्छा बताइए, पेमेंट कैसे करना है? सर, आप हमें पे आर एन से पे कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू अवेल आर सर्विसेज? यस यस। सर, आपने जिस नंबर से हमें कॉल किया है, हम इसी नंबर पे QR कोड सेंड करेंगे। प्लीज मेक द पेमेंट। पेमेंट मिलने के तुरंत बाद ही हम अब आपको वापस कॉल बैक करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग विंडोज सर्विसेज। देखो तुम लोग सब, सुनील को कैसा स्मूथली कॉल को हैंडल किया। लुक एंड लर्न। जाओ अभी अपना अपना काम करो। हाँ।
सुनील तुम ही चलिए जाओ, आई वॉन्ट बीक मनी। ओके जी दादा। हेलो, मैंने पेमेंट कर दिया है। थैंक यू सर, हमें आपका पेमेंट मिल चुका है। अब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ सर, मैं अभी आपके कंप्यूटर को अनफ्रीज करता हूँ। हाँ, मेरा कंप्यूटर ठीक हो गया मेरा कंप्यूटर। हाँ सर, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए। सर मुझे आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से स्कैन करना होगा। सर आपके ईमेल में एक नया मेल आया होगा, उसको ओपन करके उसके अंदर एक प्रोग्राम है सर जो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। अगर फिर से गड़बड़ हो गया तो? सर एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से साफ कर देगा। जैसे ही प्रोग्राम इंस्टॉल होगा बुड्ढे का कंप्यूटर पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। हो गया इंस्टॉल। थैंक यू सर, अब आएगा मजा। ये क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को? सर ये वायरस बहुत खतरनाक है, मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। सर इसके लिए आपको बस 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या? ये क्या मजाक है? 10,000 रुपीस? आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये कौन हो तुम? Who are you? सर विंडोज कंपनी का सेल्समैन सर। सर अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया ना तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं रहेगा, यूजलेस जंक हो जाएगा। फिर सर आप इस कंप्यूटर को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं चाहिए मुझे ये कंप्यूटर। अरे भाई इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, पेंशन पे जीता हूँ। अरे 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 सर आप रो क्यों रहे हैं? सर आप तो अच्छे इंसान हैं ना। सर आपके कंप्यूटर पे आपने ज़रूर अपने बैंक की डिटेल्स, पासवर्ड, एटीएम पिन सब कुछ सेव करा होगा, राइट? सर इट इज़ नॉर्मल फॉर सीनियर सिटीजन। सर अगर आपने टाइम पे वो वायरस अपने कंप्यूटर से नहीं निकाला तो वो आपकी बैंक की सारी डिटेल्स को कॉपी कर लेगा और फिर आपकी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी सर वो सब कुछ चोरी हो सकती है, पर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? सर सिंपल है, आप बस पेमेंट कर दीजिए और मैं तुरंत आपके कंप्यूटर को पूरा साफ कर दूंगा। हमने पेमेंट कर दिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग विंडोज हेल्पलाइन, हैव अ गुड डे सर। $10,000,000
दादू दादू ये स्कैम है स्कैम, लोगों से पैसे चुराने के स्कैम, आपसे पैसे लेके गायब हो जाएंगे। छी छी छी, क्या जमाना आ गया है, अब किसके ऊपर भरोसा करें। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।